अज आप बनाई है जी चिबड़ा की चटनी से आप किस तरह बनाई है आप की पाया थे अगे जाके वीडियो देख सकते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते वीडियो देखते भैन भरावान का स्वागत है साडे चैनल देसी टब्बर ते। आस करते हाँ कि तुम घर परिवार ठीक ठाक हो गए राजी खुशी हो गए। अज की वीडियो आप शुरू करते हैं। अज की वीडियो च आप लैके आए चिबड़ दो तीन आप प्याज लाए आ ये दो लाल मिर्चा लिया वा एक पूरी ला लिया तो एक थोड़ी जी ला लिया यो आप लाल ही पावे ये दो चार कलियां आप पावे लसन दियां ते इन्ना पावे अदरक ये आप बनावे चटनी। अगे आप चिबड़ा का चार पाया फिर आप पहला सब्जी भी बनाई चिबड़ा की हम आप चटनी बना रहे हैं। इन्हों चिबड़ भी कहें मालवे इन्हों राय भी कहें कि तुम इन्हों के नाम नाल जानते जे कमेंट करके दस्यो। ये बहुत गुणकारी एक फ्रूट है धरती का क्योंकि ये बहुत फायदे है फाइबर ये विटामिन सी बहुत ज्यादा है। ये किसी तरह भी खाधा जाए चटनी के रूप च चाहे सब्जी के रूप च चाहे चार के रूप में खाधा जाए ये बहुत ही शरीर वास्ते गुणकारी हों वा। तो अब आप प्याज आप कट लेने मोटे मोटे धो के साफ कर ले आप कट लेने मोटे मोटे इन्हों आप ग्राइंड करांगे आप गंढे मोटे मोटे कट ले लसन भी आप इदा ही पा देंगे इन आप थोड़ा थोड़ा ड्राई करना वा तड़के दे विच ते बाद विच आप ग्राइंड करांगे ते अदरक भी आप कट लेने ते फिर आप बाद विच चिबड़ छिल लांगे ते फिर आप तुहानू दसदे आं भी कितना आप इन्हां नू चटनी बनाउणी आ। जो आप चिबड़ा नू छिल लैने आ इहदा छिलका जिहड़ा उपरला बहुत सख्त आ इह आप ला देंगे चटनी बेच आप छिलका लाने सब्जी भी आप छिलके सने सने बनाई सी ते चार भी आप छिलके समेत ही बनाया ही ते चटनी बेच आप जिहड़ा छिलका ला देंगे क्योंकि वह सख्त जिहा वा ये पीसना औखा। चलो इस तरह आप सारे चिबड़ छिल लैने चिबड़ आप सारे छिल के साफ कर ले पुतला छिलका ला लिया वा ते हुण आपां इंडक्शन ऑन कर लैने आ भुन्नांगे गंढे ते लसन इहदे विच आपां एक चमचा देसी घिओ दा पा लांगे उहदे च आपां गंढे भुन्नांगे। ये जिहड़ियां मिर्चां वा ये मिर्चां दा आपां डंडल ला के कुंडे च पा लैने आ इहनूं आपां उहनां चिर कुट लांगे नाल ही आपां अदरक दे लच्छे कुट लांगे। अपना घ्यो गर्म हो गया तो आप लसन बिच पा लेने नाल ही पा लेंगे गंढे इन्हों थोड़े थोड़े रोस्ट करांगे क्योंकि कच्चा गंढा नहीं पाना आप अज चटनी गंढे थोड़े जे भुन के फिर बना रहे हैं हुण जर आप अदरक मिर्चा ग्राइंड कर लेने आप ना हरी मिर्च पा रहे हैं तो ना आप पूतना पा रहे हैं आप सिंपल चिबड़ा की चटनी बनावांगे लाल मिर्च पा के। चलो जी आप जिन्ने के गंढे आप ड्राई करने ब्राउन हो गया इनू आप ला लेने ठंडे करके इनू पावांगे। चलो अपने गंढे जड़े ठंडे हो गए लसन गंढे जड़े आप भुन्ने थोड़े थोड़े रोस्ट किए इन्हें ठंडे कर लिया आप हम पा देंगे कुंडे दे विच इनू आप इनू भी ग्राइंड करांगे इन आप हम कुंडे दे विच ग्राइंड करांगे खूब रगड़ रगड़ के आप जो मिर्च का बीज मार लांगे गंढे अपने भी बरीक हो गए लसन गंढे थोड़ा जहा आप जीरा पा लांगे तो स्वाद अनुसार आप लून पा लांगे। गंढे लसन अदरक मिर्चा अपना चंगी तरह आप ग्राइंड कर लिया देख लो मिर्चा का बीज मार लिया तो हुण आप पावांगे चिबड़ जिहड़े आप छिल के लाए आ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਫ ਤੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਬੜਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਚਿਬੜਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਚਿਬੜਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਟਨੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਆਹੋ ਜੀ, ਚਟਨੀ ਆਪਣੀ ਚਿਬੜਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਚਿਬੜਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਬੜ ਖੇਤਾਂ ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਟਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਬੜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਟਨੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।